वहीं कोरिया जिले के बचबापोड़ी थाना के अंतर्गत आने वाले जंगल में बड़े स्तर पर हो रहे अवैध जुआ को पकड़ने में कोरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि जिले की पुलिस ने अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई के क्रम में जुआ और सट्टा खेलने वालों पर भी बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल जब पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि बचबापोड़ी के जंगल में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, तो पुलिस ने नाकाबंदी कर रहे रंगों हाथों पकड़ा 14 आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया और पुलिस की गिरफ्त में आए इन आरोपियों के पास से 1,42,000 रुपए नगद, मोबाइल, 3 फोर व्हीलर वाहन और 11 मोटरसाइकिल और अन्य सामग्री बरामद की गई। इसके तहत इन सभी आरोपियों पर पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। डीएसपी कविता ठाकुर ने बताया कि सन 2016 में जुए के खिलाफ कोरिया पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई है। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। मुंबई से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना बैकुंठपुर चौकी बचबापोड़ी अंतर्गत खुटरिंदाई पहाड़ है, वहाँ पे अवैध रूप से जुआ का संचालन किया जा रहा है। इसमें एसपी साहब ने तुरंत निर्देश दिया और संयुक्त एक टीम गठित हुई जिसमें साइबर सेल, पुलिस लाइन और एसपी ऑफिस के बल ने वहाँ पे तस्दीक किया और 14 जुआरियों को पकड़ा जिनके पास से करीब 1,42,000 रुपये, 13 नग मोबाइल और 11 मोटरसाइकिल और तीन चार चक्का वाहन जब्त किए गए हैं। कुल जुमला इसका करीब 17,27,000 रुपये है और वर्ष 2016 के बाद ये अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कोरिया पुलिस द्वारा की गई है।